हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु IAS. ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज हम यहाँ पे 2016 का एग्ज़ाम 2018 का सॉरी 2018 का हम यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं. राइट, 2018 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज. राइट, तो पंजाब सिविल सर्विसेज का ये 2018 का पेपर है स्टूडेंट. और जो फर्स्ट इसका पोर्शन है, जो पहला इसका सेक्शन है स्टूडेंट, वो साइंस एंड साइंस से है. ठीक है, जनरल साइंस का ये है. ठीक है, जनरल साइंस की आपको कंटिन्यू यहाँ पे अभी आप कंटिन्यू 10 to 12 क्वेश्चन देखोगे. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस के ही हैं इस यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि साइंस जो जनरल साइंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेट PCS. ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, हरियाणा PCS दो, राजस्थान दो, हिमाचल दो, उसके अंदर जनरल साइंस की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहती है. ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप उसको अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फटाफट से. ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज़ जर्नली विच इज़ जर्नली एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट अलॉन्ग विद जिंक एंड कॉजेज आउच आउच डिजीज इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड वट? आउच आउच जो डिजीज़ है ना स्टूडेंट, इसी को हम इटाई इटाई डिजीज भी कहते हैं. इसी को स्टूडेंट हम इटाई इटाई डिजीज भी कहते हैं. ठीक है, इटाई इटाई डिजीज भी इसी को कहा जाता है. ठीक है, तो बताइए आप स्टूडेंट, प्लांट क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से आउच आउच डिजीज होती है ह्यूमन बींग के अंदर? सो फर्स्ट ऑप्शन है टिन, कैडमियम, मर्करी, क्रोमियम. तो करेक्ट ऑप्शन इज कैडमियम. करेक्ट ऑप्शन इज कैडमियम. ठीक है, कैडमियम जो है स्टूडेंट वो आपका सही क्वेश्चन है. ठीक है, कैडमियम आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है जी, ओके ओके जी. तो ठीक है बच्चे, अच्छा सबसे पहले थोड़ा इटाई इटाई के बारे में समझते हैं स्टूडेंट. इटाई इटाई जो डिजीज है स्टूडेंट हमारी, ठीक है, ये क्या करती है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पेक्ट करती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पेक्ट करती है स्टूडेंट ये. ठीक है, और सबसे और इसके अलावा ये किडनी को भी इम्पेक्ट करती है. किडनी को और एक हमारे नर्वस सिस्टम को. ठीक है, और होता क्यों है ये स्टूडेंट? ज़्यादातर जहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होता है स्टूडेंट, वहाँ पे ये डिजीज़ देखने को मिलती है. ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारे ऐसे कुछ मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. और उसके बाद जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं. ठीक है जी, ओके जी, सो लेट्स मूव फर्दर. हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़िए. पहले स्टेटमेंट पढ़ो स्टूडेंट, उसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा आगे, मैं इसको आगे कर दूंगी. ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कहता था रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. आपको पता होगा स्टूडेंट, दिल्ली जो है ना, दिल्ली वो एक कैपिटल भी है और सेकेंड चीज वो यूनियन टेरिटरी भी है. एंड यू नो दैट कि यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है कौन? सेंटर. बट दिल्ली और पुडुचेरी एक स्पेशल केस है स्टूडेंट. दिल्ली एक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर स्टूडेंट लेजिस्लेचर भी है. लेजिस्लेचर भी है मतलब कि वहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट है अपनी, अपने आम आदमी पार्टी जो इस टाइम पे रूल कर रही है दिल्ली में. राइट, तो लेजिस्लेचर भी है बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना स्टूडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों करता है? वैसे तो अगर आप स्टेट देखो तो स्टेट की खुद की अपनी खुद की पावर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको खुद की पावर्स मिली हुई हैं. राइट, बट यहाँ पे क्या है ना स्टूडेंट, जो दिल्ली है उसके अंदर तीन मैटर्स जो है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेट करती है. फर्स्ट है हमारा लैंड, सेकेंड है हमारा पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, लैंड, पुलिस और प्रॉपर्टी आई थिंक सो की. ठीक है, इनको जो है ना वो रेगुलेट करती है. कौन हमारी, कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी
दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे रेगुलेट कर रही है और कुछ चीजों को कौन रेगुलेट कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट करता है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट, एक यू नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है यहाँ पे। तो कहता है वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज़ बीन मेकिंग न्यूज़ इन दिस केस, विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द डिफेंस काउंसिल्स फॉर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के डिफेंस काउंसिल को यहाँ पे पूछा गया कि कौन थे। पहला कहता है राम जेठमलानी, नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है पी चिदम्बरम, तीसरा दुष्यंत देव और फोर्थ ऑप्शन है मुकुल रोहतगी। तो आप करेक्ट ऑप्शन बताइए स्टूडेंट इसमें से क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है पी चिदम्बरम, ठीक है जी। हालांकि उस टाइम पे कि ये न्यूज़ न्यूज़ है, करंट अफेयर की न्यूज़ है, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। बट इससे आपको ये आइडिया ज़रूर लगता है कि हाँ जी किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं पीपीएससी के अंदर, ठीक है। तो रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पता है करने का एक ही तरीका होता है स्टूडेंट, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स, ठीक है। क्योंकि ना स्टेट पीसीएस में देखो अभी ना जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में क्या है ना, मे भी आपको लगेगा कि हाँ जी न्यूज़पेपर यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। बट शायद मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट स्टेट पीसीएस में स्टिल अभी भी न्यूज़पेपर जो है ना वो बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि वहाँ से ना बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो दैट्स वाई स्टूडेंट न्यूज़पेपर जो है ना वो बेस्ट सोर्स होता है स्टूडेंट ऐसी न्यूज़ को रेडी करने का। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर डेली आए दिन आप कुछ ना कुछ वहाँ से पढ़ते ही रहते हो कि ये हो गया वो हो गया, है ना, कुछ कुछ वहाँ पे पढ़ते रहते हो डेली आप, ठीक है। तो न्यूज़पेपर अगर आपका इंटरेस्ट है तो भी, नॉलेज है तो भी, ठीक है, आप पढ़ो, ज़रूर पढ़ो उसको, ठीक है, ज़रूर पढ़ो। और होता क्या ना जैसे यूपीएससी में तो ऐसा बोला जाता है कि हाँ जी आपको जो है ना पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी, ठीक है, स्ट्रिक्टली बोला जाता है यूपीएससी के केस में। बट पीपीएससी के केस में मैं कहूँगी कि नहीं आप पढ़ो, थोड़ा बहुत आप पढ़ो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल घुस ही जाओ, बट नहीं थोड़ा बहुत आप पढ़ो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिर से साइंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑयल जेपर के ऊपर क्वेश्चन है, हाँ जी ऑयल जेपर के ऊपर क्वेश्चन है, पढ़िए इसको क्वेश्चन को। कहता व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑयल जेपर दैट वी फ्रीक्वेंटली हियर इन द न्यूज़, ठीक है, तो पढ़िए। ऑयल जेपर के ऊपर क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप रीड कीजिए इसको, हाँ जी पहले पढ़ लो स्टूडेंट, फिर मैं इसको थोड़ा सा ना वो करूँगी यहाँ पे थोड़ा ऊपर करूँगी, पहले आप तीनों स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, तो ऑयल जेपर के बारे में पढ़िए। कहता फर्स्ट स्टेटमेंट है, कहता है इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, कहता है इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अंडर सी ऑयल एक्सप्लोरेशन। थर्ड स्टेटमेंट है, कहता है इट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाई बायोफ्यूल यील्डिंग मेज वेराइटी। फिर कहता है इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल द एक्सीडेंटली कॉज फ्लेम फ्रॉम द ऑयल वेल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना स्टूडेंट वो है हमारा फर्स्ट वन, दैट इज इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना स्टूडेंट ऑयल जेपर, ये इको फ्रेंडली है, जिसमें क्या होता है ना स्टूडेंट हमारे जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल समझते हो आप, फॉर एग्जांपल कहीं से ओशियन के अंदर कहीं पे शिप आ रहा था ऑयल से भरा और फिर वो लीक कर गया। अभी ऑयल जो है वो डिसॉल्व नहीं करता पानी में, आपको भी पता है अगर आप ऑयल पानी के ऊपर डालो तो ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, तो अगर इतना सारा टन्स ऑफ टन ऑयल जो है अगर वो स्पिल हो गया, लीकेज हो गया, तो पूरे बहुत बड़े लार्ज एरिया में फैल जाएगा और ऊपर एक लेयर बना लेगा। और आपको भी पता है कि जो नीचे मरीन लाइफ है, जो नीचे इकोसिस्टम है, चाहे फिर वो प्लांट्स हैं, मरीन प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, जो भी फ्लोरा एंड फ्यूना है, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ना स्टूडेंट, और ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है ऑक्सीजन, तो उसके अंदर एयर से मिल रही, यस और नो, तो एयर से मिल रही है ऑक्सीजन, राइट, एयर से मिक्स हो रही है उसके अंदर, राइट, तो एयर से जब ऑक्सीजन मिक्स होती है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर यहाँ पे लेयर बन गई ऑयल की, ऑयल की एक लेयर आ गई, तो आप सोचो कि
एयर कैसे जाएगी, पेनिट्रेट कैसे करेगी उसके अंदर, वाटर के अंदर कैसे डिजोल्व होगी। तो नीचे वाले जितने भी मरीन इकोसिस्टम है हमारा, फ्लोरा एंड फ्यूना, वो सब सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी नीचे। अगर आपके यहाँ पे माउथ के आगे कुछ लगा दिया जाए तो क्या एयर पहुँचेगी आपके अंदर? नहीं पहुँचेगी। सो दैट्स वाई ऑयल स्पिलिंग को यहाँ पे उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑयल जिपर का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो क्या करता है ऑयल स्पिल या स्लज को क्लियर करते हैं, ठीक है। मेनली इसमें बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं ऑयल को और उसको क्या करते हैं डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से अगर आपको ऑयल हटाना हो तो आप क्या करोगे, पानी को सक करोगे ऊपर वाली लेयर को, है ना, कुछ भी करोगे उसको आप, ठीक है, पानी को एयर से आप उस ऑयल को हटाने की ट्राई करोगे, ठीक है, लेकिन कहाँ तक हटाओगे आप उसको, ठीक है, कैसे उसको कलेक्ट करोगे आप, या फिर ऊपर ऊपर से लेयर से आप पानी निकालना शुरू करोगे, लेकिन इतने लार्ज एरिया में जब तक आप निकालोगे, जब तक आप ऊपर से ऑयल हटाओगे, तब तक तो नीचे सफोकेशन की वजह से पता नहीं ना जाने कितना फ्लोरा एंड फ्यूना और हमारा जो नीचे इतना मरीन लाइफ है वो सब की सब हो सकता है, उनकी डेथ हो जाए, फिशेस की डेथ हो जाएगी, है ना, ठीक है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़िए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डिफरेंस पूछा उसने CFL एंड LED बल्ब के अंदर, CFL और LED लैंप में उसने डिफरेंस पूछा, ठीक है, तो बताइए डिफरेंस बताओ स्टूडेंट्स। हाँ जी, कहते थे टू प्रोड्यूस लाइट ए CFL यूजेस मर्करी वेपर एंड फॉस्फर वाइल एन LED यूजेस सेमी कंडक्टर मटीरियल। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, द कहता है द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ए CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ LED लैम्प। थर्ड स्टेटमेंट है, कहता है ए CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एंड कंपेयर टू ए LED लैम्प। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी, अब आप स्टेटमेंट्स पढ़िए। हाँ जी, अब बताओ आप, डू कमेंट स्टूडेंट, फटाफट कमेंट करो। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वाई फर्स्ट स्टेटमेंट, सीयर स्टूडेंट, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, कहता है ए CFL इज लेस एनर्जी कंजप्शन, नहीं उल्टा लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरेज लाइफ स्पेन जो है ना वो LED की ज्यादा होती है, आप LED बल्ब लेकर आते हो उसके ऊपर ज्यादा टाइम के लिए आपको गारंटी मिलती है, राइट, यस और नो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कहता है टू प्रोड्यूस लाइट ए CFL यूजेस करते क्या, उसके अंदर मर्करी वेपर होता है और फॉस्फोर जो है, जो हमारी LED है उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हमारा, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं स्टूडेंट हम। हाँ जी, पहले पढ़िए आप स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ जी, अब पढ़िए आप स्टेटमेंट, थोड़ा सा पूरा नहीं आ रहा था, ठीक है, अब पढ़ो। हाँ जी, क्या स्टेटमेंट है, कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कंसीडर्स ए स्पीसीज टू बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड इफ द स्पेशियल मेजर एक्सटेंट ऑफ अक्रेंस इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन फिलिंग द ब्लैंक्स किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना होगा, 100। कोई स्पीसीज स्टूडेंट क्रिटिकल एंडेंजर्ड कब होगी, जब एरिया जहाँ पे वो रह रहे, जितने एरिया में वो रह रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो इतने बड़े एरिया में रहता था, ठीक है, इतना एरिया था स्पेशियल मेज़र करने पे, इतना एरिया था जहाँ तक वो मिलता था हमें, कोई स्पीसी है मान लो, फिर वो यहाँ तक ही रह गया क्योंकि जंगल आपने काटने शुरू कर दिए, ठीक है, फिर वो यहाँ तक ही रह गया, यहाँ तक रह गया, इसका मतलब क्या है, उसकी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है जितना एरिया उसको मिलेगा, टेरिटरी उसको मिलेगी, राइट, उतना ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, जब एरिया ही कम होता जाएगा तो होगा क्या,
आपको शिकार कम मिलेगा, शिकार कम मिलेगा तो ऑब्वियसली फूड की यहाँ पे शॉर्टेज पड़ेगी, और फूड की शॉर्टेज पड़ेगी तो एनिमल ग्रो ही कैसे करेगा, आपकी स्पीशी ग्रो कैसे कर सकती, नहीं कर सकती। तो 100 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया में अगर कोई सिर्फ स्पीसीज रह जाती है, ठीक है, कि उसका अक्रेंस जो एरिया वो सिर्फ इतना ही है अब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है ना, वो बहुत ही इंडेंजर्ड में है इस टाइम पे, उसको सर्वाइव करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, ये कंडीशन ही सुटेबल नहीं है, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्चरी, एस्चरी के बारे में पढ़िए। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ो, कंसीडर द अबाउट एस्चरी। कहता है एन एस्चरी इज द प्लेस वेयर द रिवर फ्रेश वाटर मीट्स विद ओशियन वाटर। कहता है ना एस्चरी क्या चीज है, एक ऐसा प्लेस है जो फ्रेश वाटर जहां पे रिवर का मीट करता है ओशियन वाटर से। फिर स्टेटमेंट सेकंड बोलता है दिस एरिया इज द हाईली प्रोडक्टिव, कहता बहुत प्रोडक्टिव एरिया। तीसरा स्टेटमेंट दिस एरिया इज हाईली अनप्रोडक्टिव। ट्रू स्टेटमेंट पूछिए स्टूडेंट आपसे, 1, 2, 1 and 2, 3 ओनली। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट आपकी, 1 and 2 ओनली, सी ऑप्शन। वाई सी ऑप्शन, सी एयर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर लैंड, यहाँ से कोई रिवर आ रही है, तो जब वो रिवर यहाँ पे आके ओशियन वाटर के साथ मिलती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर बहुत एक अलग यूनिक टाइप का एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाते हैं। इकोसिस्टम यहाँ पे क्या हो जाते हैं ना स्टूडेंट, डेवलप हो जाते हैं, और उस इकोसिस्टम के अंदर आपको बहुत अलग अलग टाइप की ना डिफरेंट टाइप की वैरायटीज मिलेंगी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की आपको वैरायटीज मिलेंगी, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी हाईली प्रोडक्टिव एरिया, और प्लेस तो ये है ही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या होगी ना यहाँ पे करेक्ट होगी। ठीक है जी, ओके बच्चे, ओके जी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ो। कहता था कंपाउंड्स ऑफ डैश कॉजेज मीनामाता डिजीज कौन कॉज करता है, ये पूछा है। हाँ जी, तो कौन कॉज करता है, मरकरी, कैडमियम, कोबाल्ट, फर्टिलाइजर्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज मरकरी। मरकरी जो है ना स्टूडेंट, वो कॉज करती है क्या, मीनामाता डिजीज। क्या कॉज करती है स्टूडेंट, मीनामाता डिजीज कॉज करती है आप। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़िए आप। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के ऊपर क्वेश्चन है। कहता है इट इज ए ग्लोबल फोरम टू प्रमोट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड टू इनक्रेज द ट्रांजिशन टू ए ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, टू ए ग्लोबल क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट है, कहता है इंडिया इज ए पार्टिसिपेटिंग नेशन इन द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्री। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ डिनाइड टू पार्टिसिपेट द प्रोग्राम 21st सेंचुरी पावर अंडर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। ठीक है, कहता है इंडिया ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने से, तो स्टेटमेंट है 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3। हाँ जी बताओ। तो पहले तो स्टूडेंट आप ना एक बात याद रखो, इंडिया ना कभी भी ऐसी चीज़ों में जाने से कभी मना नहीं करता जहाँ पे ग्लोबल सेफ्टी की बात हो, राइट, टेररिज्म को रोकने की बात हो, कुछ अच्छा काम, अच्छे कामों में इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है। क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, कुछ भी है इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि इंडिया कहीं पर डिनाई करेगा। इंडिया डिनाई करेगा तो उन जगह पे डिनाई करेगा जैसे मान लो कहीं पे वॉयलेंस हो रहा है, कहीं पे टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, या कहीं पे एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे कम्युनिज्म है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है ना, वहाँ पे इंडिया डिनाई करेगा। अदरवाइज इंडिया हर प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेगा, पार्टिसिपेट इंडिया करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, ग्लोबल प्रमोट कर रहे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। दूसरा, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे टू क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 1 and 2 इट मीन्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी स्टूडेंट, 1 and 2 आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है जी,
तो देखा स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पी वाई क्यू करने का यही बेनिफिट होता है स्टूडेंट। पी वाई क्यू करके ना जो आपका माइंड पहले अगर वो सिर्फ और सिर्फ 50% डेडिकेट था या 60% डेडिकेट था एग्ज़ाम को लेकर, पी वाई क्यू करने से वो 80-90% तक डेडिकेशन शो करते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन आते हैं आपको क्लैरिटी आती है एक्चुअल में एग्ज़ाम को लेकर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम को लेकर, कहाँ से पढ़ना है, क्या ना पढ़ूँ। पूरा दिन पढ़ रहे हो आप, पूरा दिन पढ़ रहे हो, है ना, जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा तब तक पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बट आपको यही समझ में नहीं आता। एक टाइम के बाद आप सोचते हो कि यार और कितना पढ़ूँ, राइट। हर रोज़ मेरे सामने एक नई चीज़ आ जाती है, राइट, कोई लिमिट ही नहीं है जीएस की। तो उसको लिमिट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप पी वाई क्यू बहुत ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ जी क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और कैसा फ्रेम हो रहा है और मुझे किस तरीके से उसको पढ़ना है, क्या सोर्सेज है जहाँ से मेरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी तक, देखो हम 2012 का पेपर डिस्कस किया, 15 का किया और अभी हम 18 पे, तो आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा पक्की बात कि यार गवर्नमेंट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो पॉलिटी है उसमें क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने थोड़ा आइडिया लगाया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पंचायती राज सिस्टम हो गया, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि यार जो करंट ओरिएंटेड न्यूज़ होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका यू नो नेशनल या उस पर ही आए, ठीक है, आपकी रीजनल करंट अफेयर भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर आपने ये भी देखा होगा कि यार पंजाब की जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके ना आपके पास एक लिस्ट सी रेडी होगी कि हाँ यार ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पढ़ते टाइम ना इन पर फोकस थोड़ा कर लेना है ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दूं, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, लास्ट में जाके मैं स्पोर्ट्स के कोई 2-4 पेज पढ़ के चल जाऊं, नहीं ऐसा नहीं। आप डेली बेसिस पे उसको थोड़ा न्यूज़पेपर में देखते रहो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि यार अगर आप ऐसे सोच के बैठे हो कि मैं तो एक दिन में सब कर दूंगा या मैं महीने में सब कर ले जाऊंगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। उसको डेली बेसिस पे जब आप पढ़ना शुरू करोगे, डेली आपकी आंखों के सामने से कोई चीज़ जाएगी तो अपने आप वो सेट होती जाएगी, उसको ऐसे रट्टा नहीं लगाना उसका, ठीक है, कि बैठ के आप करंट अफेयर रटने बैठ जाओ, नहीं रटने की चीज़ है नहीं वो, ठीक है, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ मैं ये सेशन ओवर करती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।